दोस्तों कितनी अजीब बात है ना, आज एक और 10 साल का बंदा YouTube में वीडियो अपलोड करके लाखों रुपए इंटरनेट की मदद से कमा रहा है, वहीं दूसरी ओर कोई 15 से 20 साल का बंदा Instagram में रील्स देखकर अपना जीवन को बर्बाद कर रहा है। ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया में 70% स्टूडेंट मोबाइल इसलिए लेते हैं ताकि उसका पढ़ाई ऑनलाइन हो सके, लेकिन साला यहाँ हर कोई अपने समय को सोशल मीडिया में बर्बाद करने में तुला है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो हर एक इंसान हर रोज 150 बार इसलिए मोबाइल का स्क्रीन को छूता है, कहीं उसका कोई नोटिफिकेशन आया तो नहीं। और दोस्तों याद रखना कि Instagram, Facebook, WhatsApp या फिर कोई भी सोशल मीडिया जो आपको आज मजा दे रही है वो आपको आने वाले समय में बर्बाद करके छोड़ेगी। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया का बिल्कुल भी यूज ना करें, लेकिन मैं आपसे ये भी बिल्कुल नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप दिन भर सोशल मीडिया में खोया रहो, क्योंकि परिवर्तन इस संसार का नियम और हमें समय के साथ परिवर्तन होना पड़ता है, क्योंकि आप सोशल मीडिया से कई अच्छे चीजों को भी देख सकते हैं और उससे अपने जीवन में अप्लाई करके बड़ा से बड़ा लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज का समय में इससे विपरीत मोबाइल या फिर सोशल मीडिया का यूज हो रहा है। आज का युवा इसलिए व्हाट्सएप ओपन नहीं करता है कि हमारे पास एग्जाम का नोटिफिकेशन पहुंच सके, बल्कि हमारा मेन मुद्दा तो ये होता है कि हमें व्हाट्सएप में स्टेटस देखना, स्टेटस लगानी या फिर किसी लड़का या लड़की के साथ चैटिंग करना। हम फेसबुक का यूज इसलिए नहीं करते कि हमारे पास पॉजिटिव थॉट पहुंच सके, बल्कि फेसबुक चलाने का मकसद ही यही होता है कि कोई हमारा जीवन साथी मिल जाए। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी अपने जीवन के बारे में सोचा है? मानो ऐसी हो गई जिंदगी जिस तरह किसी होटल में जाने के बाद ऑर्डर के लिए ऑप्शन मिलते, कभी पिज्जा मंगवा ली तो कभी बर्गर, और इस तरह से गुजर रही है जिंदगी। लेकिन दोस्त याद रखना, वर्तमान ही आपका भविष्य बनकर आएगा, इसलिए समय का सोच समझ कर यूज करो, वरना समय तो आपका यूज सोच समझ कर कर ही देगा। और वीडियो के अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिंदगी उन्हीं का आसान होती है जो कठिन समय पर सही निर्णय लेता, वरना समय के हिसाब से तो खराब घड़ी भी दिन में 2 बार समय बदलता। दोस्तों अगर इस वीडियो में कही गई बातों से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार के मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भरते और आपको दिखाए सही दिशा। सुनते रहिए मोटिवेशन एक मात्र। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।